तो उससे बचेगी। जो हार्ट पॉटी है जिसकी वजह से उसको दर्द हो रहा है, एनल एरिया कट सकता है, तो वो आराम से हार्ट पार्ट जो है वो आराम से निकल आएगा। 3-4 महीने का 5 महीने का बच्चा अगर होता है जिसमें आप उसको कुछ ही नहीं दे सकते, ही इज़ कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन ब्रेस्ट मिल्क। जैसे मेरे बच्चे को कॉन्स्टिपेशन हुआ था तो मैंने उसको। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त गरिमा और आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि बच्चा अगर कॉन्स्टिपेटेड होता है तो उसको पूप कैसे कराएं, यानी कि उसको पॉटी कैसे कराएं। बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है स्पेशली छोटे बच्चों में, एंड ये दिक्कत अब ज़्यादा देखी जाती है जब वेदर चेंज होता है, सर्दियाँ आ रही होती हैं, तब उस सिचुएशन में हमें ये सारी चीज़ें ज़्यादा ऑब्जर्व होती हैं। एंड छोटे बच्चे होते हैं तो हम उनको अननेसेसरी कोई मेडिसिन भी नहीं दे सकते, और क्या क्या हमें प्रिकॉशंस रखनी चाहिए जिससे कि हम बच्चा जो है उसका पेट जो है वो साफ रहे, वो कॉन्स्टिपेटेड ना हो, हार्ड मोशंस ना हो, क्योंकि अगर हार्ड मोशंस होंगे, हार्ड स्टूल पास करेगा तो उसका जो एनल एरिया है वो छिल सकता है, और अगर कॉन्स्टेंटली कॉन्स्टिपेटेड रहता है बच्चा तो उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, उसका खाना पीना छूट जाता है, लॉस ऑफ एपेटाइट होता है, इरिटेटेड रहता है बच्चा, जब भी वो मोशन करने की कोशिश करता है, प्रेशर डालता है, तो उसका जो एनल एरिया जो है वो ब्लीड कर जाता है। एंड कई बार बच्चों में देखा गया है कि जो बहुत बच्चे कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं उनमें फिशर हो जाता है, यानी कि एनल एरिया की तरफ काफ़ी ज़्यादा कट जाता है, पाइल्स होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। बहुत ज़्यादा जब छोटा बच्चा होता है, 3-4 महीने का 5 महीने का बच्चा अगर होता है जिसमें आप उसको कुछ ही नहीं दे सकते, ही इज़ कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन ब्रेस्ट मिल्क और या फिर टॉप मिल्क, और पानी भी नहीं दे सकते, तो आपको उस चीज़ में करना क्या है? तो आपको सबसे पहले चीज़ करना है कि अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पीडियाट्रिशियन को इन्फॉर्म करना कि बच्चा पॉटी नहीं कर रहा है, 2 दिन नहीं कर रहा 2 से 3 दिन चलता है, बट उसके बियॉन्ड हफ्ते भर 10-10 दिन नहीं कर रहा, देन थोड़ा सा हो जाता है, क्योंकि अंदर जितनी पॉटी रहती है वो क्या होती है, वो सूख जाती है, एंड सूखने की वजह से पॉटी जो है हार्ड हो जाती है, और जब छोटा बच्चा होता है उतना प्रेशर भी नहीं लगा पाएगा तो वो पॉटी को एक्सपेल कैसे करेगा। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करना कि बच्चे को 3 से 4 दिन हो गए हैं पॉटी नहीं कर रहा, तो फिर क्या करना चाहिए। देन अकॉर्डिंगली डॉक्टर विल लुक के उसका यूरिन आउटपुट कितना है, कितनी फ्रीक्वेंटली हम उसको फीड करा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली अगर मेडिकेशंस देने की ज़रूरत होगी तो वो आपको डॉक्टर ही देंगे। सेकेंड इज़, इतने छोटे बच्चे को, जो 5 से 6 मंथ्स के बच्चे होते हैं जो कम्प्लीटली ब्रेस्ट मिल्क टॉप मिल्क पे डिपेंडेंट होते हैं, तो उनको हाइड्रेटेड रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 1.5 से 2 घंटे के अंदर उनको फीड देते रहना, एंड स्पेशली ब्रेस्ट मिल्क देते रहना, जिसकी वजह से जितना बच्चा हाइड्रेटेड होगा, क्योंकि उसके पास में वही एक फूड है, वही एक मील है जिसकी वजह से वो अपना सुसू करेगा, पॉटी करेगा, वही उसका खाना है जो कि वो बाहर निकालेगा। और साथ साथ में इम्पॉर्टेंट है उसका यूरिन काउंट करना कि उसकी यूरिन जो बच्चा जो सुसू है वो कितने पूरे दिन में कितनी बार पास कर रहा है। 10+ होनी चाहिए जब बच्चा छोटा होता है, यानी कि 6 महीने से छोटा बच्चा हुआ तो उसका जो यूरिन आउटपुट होना चाहिए वो 10+ होना चाहिए। अगर 10+ से कम होता है तो आप अपने पीडियाट्रिशियन को इन्फॉर्म इमिडिएटली कीजिए। 1 साल तक का बच्चा ब्रेस्ट मिल्क पर रहता है, एंड 6 महीने के बाद में हम थोड़ा थोड़ा करके खाना इंट्रोड्यूस करते हैं, यानी कि सॉलिड्स और पानी, ये सारी चीज़ें हम इंट्रोड्यूस करते हैं। तीसरी चीज़ है कि बच्चे के पेट में गैस बन रही है तो हल्का सा हींग को पानी में मिला के उसमें कॉटन को डिप करिए, एंड उसकी जो नाभि है उसके ऊपर रख दीजिए। हींग क्या करेगी, जो गैस बच्चे के अंदर घूम रही है उसको ईज आउट करेगी, एंड बच्चा जो है गैस पास कर सकता है। नेक्स्ट इज़, टमी टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि जब आपने बच्चे को फीड करा दिया, फीड कराने के 1.5-2 घंटे बाद में, 1 घंटे बाद में आप बच्चे को टमी टाइम दीजिए, यानी कि बच्चे को उल्टा पेट के बल लिटा दीजिए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिससे कि बच्चे का, क्योंकि जब छोटा बच्चा होता है तो वो सीधा का सीधा लेटा रहता है, ना कभी आप वो इधर न लेफ़्ट न राइट उस तरीके से मुड़ नहीं पाता, तो वो मूवमेंट हमें कराने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। पहले 5-10 मिनट से शुरू करिए, देन फिर उसके बाद में 15-20 मिनट आप बच्चे को टमी टाइम दे सकते हैं। उससे क्या होगा कि बच्चे का जो डाइजेशन है वो सही रहेगा, गैस बच्चा पास करेगा और कॉन्स्टिपेशन नहीं फील करेगा। पॉइंट नंबर 6 इज़, जब भी आप बच्चे को
ब्रेस्ट फीड कराएं या टॉप मिल्क दें, जो कोई भी मिल्क दें छोटे बच्चे को, बिल्कुल जो 6 मंथ से अबव हैं, उनको बर्प कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बच्चे को डकार दिलवाना ज़रूरी है, क्योंकि जब बच्चा दूध पीता है, सक करता है, तो साथ साथ में उसका एयर भी अंदर खींचता है। जब वो हवा अंदर खींचता है तो वो जो हवा है वो पेट में ऊपर की तरफ गैस प्रोड्यूस करती है, तो उस गैस को रिलीज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसीलिए बोला जाता है कि जब भी बच्चे को फीड कराया जाए तो उसको बर्प दिलाना यानी कि डकार दिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो ये बात तो हो गई सारे छोटे बच्चों की, जो कि बहुत ही छोटे हैं, 2-3 महीने के, 4-5-6 महीने के बच्चे हैं, बैठ नहीं पाते हैं, पूप हम उस तरीके से नहीं करा पा रहे हैं और बच्चे को कॉन्स्टिपेशन हो गई है। अब बात करते हैं जो बच्चे बड़े होते हैं, यानी कि 6, 7 या 10 मंथ्स प्लस बच्चे होते हैं, अगर उनको पेशन वगैरह होता है तो हमें क्या करना चाहिए। 6 मंथ्स प्लस बच्चे को जैसा कि हम थोड़ा थोड़ा सॉलिड्स इंट्रोड्यूस कराना शुरू कर देते हैं, पानी देना शुरू कर देते हैं, पर थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में शुरू करते हैं। जब 6 प्लस के बच्चे होते हैं अप टिल 1 ईयर, उनका ब्रेस्ट फीड तो डेफिनेटली देना ही देना है, बर्प उनको कराना ही कराना है, एंड जो ऊपर जो मैंने चीज़ें बताई हैं वो तो डेफिनेटली करनी करनी है। बॉडी का मूवमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि बॉडी का मूवमेंट होगा तो बच्चे को कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। तो इन छोटे बच्चों को मसाज जब करें तो उनको हाथ पैर उनके थोड़े से मूव करें, लेग्स को फोल्ड करके उनकी टमी की तरफ हल्का सा प्रेस करिए, जिससे कि उनकी जो गैस बन रही है वो आराम से निकल जाए। टमी टाइम देना उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब बच्चा वॉक करना शुरू कर देता है, 9 to 10 मंथ्स प्लस वाला जब बच्चा वॉक करना शुरू कर देता है, तो अपने आप उसका कॉन्स्टिपेशन रिलेटिवली कम हो जाता है, क्योंकि मूवमेंट बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट अब बात करते हैं कि अगर थोड़ा बड़ा बच्चा होता है तो डॉक्टर्स क्या सजेस्ट करते हैं। सो 8 से 10 महीने प्लस वाले बच्चों के लिए अगर कॉन्स्टिपेशन 3 से 4 दिन हो गया है, पॉटी नहीं गया है बच्चे, तो अगेन आपको डॉक्टर जो है हल्का सा लाइट पाउडर देते हैं। जैसे मेरे बच्चे को कॉन्स्टिपेशन हुआ था तो मैंने उसको मूट प्लस दिया था, उसको हम थोड़ा सा 100 ml में 1 स्कूप डाल के पानी में घोलकर और दे देते थे, जिससे कि वो एक तरीके का लेक्सेटिव की तरीके से काम करता है, जिससे बच्चे का जो मोशन है वो क्लियर हो जाता है। बट हमें कम्प्लीटली उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है, क्योंकि ये बहुत टेम्प्रेरी फेज है, क्योंकि अगर इस की मूड की या फिर ऐसे किसी लेक्सेटिव की आदत पड़ जाएगी बच्चे को, तो फिर वो अपने आप से कोई एफर्ट भी नहीं करेगा। तो ये तो हो गया कि अगर बच्चा बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेटेड है तो इमीडिएटली आपको क्या करना है। अगर बच्चे ने पॉटी नहीं की और आपको लग रहा है कि उसका एनल एरिया और इस तरीके से छिल सकता है, तो देन आप उसको सपोजिटरी दे सकते हैं, आधी टैबलेट है उसको बच्चे की एनल एरिया में अंदर घुसा दीजिए, क्योंकि वो ग्लिसरिन टाइप होती है, माइल्ड होती है, तो उससे बच्चे की जो हार्ड पॉटी है जिसकी वजह से उसको दर्द हो रहा है और एनल एरिया कट सकता है, तो वो आराम से हार्ड पार्ट जो है वो आराम से निकल आएगा। बट ये सारी चीज़ें तब हैं जब बच्चा बहुत ज़्यादा एक्यूट हो, और ये सारी चीज़ें आपको तभी देनी है आफ्टर कंसल्टिंग योर डॉक्टर। मैंने अपने डॉक्टर से कंसल्ट किया था, उन्होंने मेरे को ये चीज़ प्रिस्क्राइब की है, और मेरे बेटे की एज जब उसको थोड़ा बहुत कॉन्स्टिपेशन शुरू हुआ था वो 1 ईयर प्लस था, तो उसको तब हल्का कॉन्स्टिपेशन हुआ था। जो बच्चे सॉलिड्स पर हैं, वॉक कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बच्चे को हाइड्रेटेड रखना, यानी कि बच्चा जो है उसको खूब सारा पानी देना, फ्रूट जूसेस थोड़ी क्वांटिटी में दे सकते हैं, बहुत क्वांटिटी में नहीं, क्योंकि वो डायरिया भी लीड कर सकता है। 1 नारियल का पानी आप उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं दिन में, जिससे कि बच्चे को हाइड्रेटेड रहेगा, पर पानी तो आपको बच्चे को खूब पिलाना है। दूसरी चीज़ है हाई फाइबर डाइट, यानी कि उसके खाने में जिनमें वाटर कंटेंट होते हैं वो सारी सब्जियां खिलाएं, हरी सब्जियां खिलाएं और खीरा खिलाएं, जिससे कि उसके अंदर जो है वो फाइबर भी जाएगा और वाटर कंटेंट भी जाएगा। फ्रूट्स खिलाइए उसको, रॉ फ्रूट्स जो हैं वो खिलाइए, जिससे कि आराम से बच्चा जो है उसका डाइजेस्टिव सिस्टम भी इम्प्रूव होगा और उसको कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होगा। एंड लास्ट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़, बच्चे को जब भी आप ब्रेकफास्ट वगैरह कराते हैं उसके बाद में हल्का ल्यूकवार्म गर्म दूध दीजिए और बच्चे को पिलाइए, एंड पिलाने के बाद में उसको पॉटी में 10 से 15 मिनट ज़रूर बिठाइएगा, जिससे एक तो उसको पॉटी की आदत पड़ेगी एक सेम टाइम पर, और साथ साथ में जब उसको हैबिट हो जाएगी तो उसको कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होगा। सो बहुत ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो बच्चे की एक गट हेल्थ होती है उसको इम्प्रूव करती है, और फिर उसके बाद में बच्चे का जो कॉन्स्टिपेशन वगैरह होता है वो धीरे धीरे एज अ बेबी ग्रोज वो कॉन्स्टिपेशन कम हो जाता है।
ये सारी चीज़ों का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। सो फ्रेंड्स, होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड मेरे साथ में कमेंट ज़रूर शेयर करें। सो देन सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।